Assalamualaikum dear learners, this is the solution of exercise 4.3. The question number 1 is a man borrowed 1460 1460 रुपये उसने लिए हैं किसी बैंक से, जो कि उसने 3 मार्च से को बोरो किए हैं, और 12.5% उसका रेट है एनुअली, और 1 जुलाई को उसने वो जो कर्ज़ा है उसको वापस करना है, तो उसको कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे ये अब हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे टोटल डेज कितने बनते हैं फ्रॉम 3 मार्च टू 1 जुलाई. फ्रॉम 3 मार्च टू 1 जुलाई. अब यहां पे देखें कि 3 मार्च से 31 मार्च तक आपके 28 डेज बनते हैं. 3 मार्च से आगे गिनेंगे, 3rd से आगे 4th, 4th टू 31 आप गिने, 28 डेज बनते हैं. उसके बाद मार्च के बाद आता है जी अप्रैल, और अप्रैल के होते हैं 30 डेज. देन मार्च अप्रैल मई, मई के 31 डेज होंगे. जून, जून के देन 30 डेज, और जुलाई का जो उस जिस दिन उसने डेब्ट पे करना है उसका भी हम 1 अंदर ऐड करेंगे, तो ये आपके पास टोटल हो जाएंगे 120 डेज. टाइम हो जाएगा जी 120 डेज का, टी इक्वल टू 120 डेज, और जैसा कि आपको पता है कि हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 120 ओवर 365 करेंगे तो ये बन जाएगा ईयर्स. उसके बाद आपके पास जो रेट है वो है 12.5%, 12.5 को 12.5% लिखा जा सकता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 1460 रुपीज. अब आपने डेप्ट या मार्कअप आपने फाइंड करना है कि उसको मार्कअप कितना देना पड़ेगा. सो लर्नर्स, ये वही फॉर्मूला है जो कि हमने पिछले 4.2 में यूज किया है, I इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100. वहां पे हमने I को प्रॉफिट कहा था, यहाँ पे हम कह रहे हैं जी मार्कअप, और ये कोई भी अमाउंट हो सकती है. तो यहाँ पे पी आर और टी की वैल्यू निकालते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं, और देन आंसर निकालेंगे. इसका आंसर आ जाता है ₹60. अब ये आया है जी मार्कअप जो उसको पे करना पड़ेगा. मार्कअप के अलावा जो टोटल अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी वो होगी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मार्कअप. तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मार्कअप हेयर. तो मार्कअप वो चीज है, वो अमाउंट होती है जो कि आप एज अ टैक्स पे करते हैं. जब भी आप डेब्ट लेते हैं, कुछ अमाउंट बोरो करते हैं बैंक से, तो उनको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है, उसे मार्कअप कहते हैं. तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 1460 थी, और जो मार्कअप आया है वो है जी 60 रुपीज. तो ये टोटल हो जाएगा 1520 रुपीज. दिस इज द टोटल अमाउंट जो कि उसको पे करनी पड़ेगी कर्जे की. क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एक शॉपकीपर है जिसने 35-40 रुपीज लिए हैं बैंक से एट द रेट 10 होल 3/4%, और वही जो सारे पैसे हैं उसने वापस कर दिए एट द रेट ऑफ 11 होल 1/2%. अब आपने ये देखना है कि 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स के बाद उसको इस रेट पे कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने इस पे लिए थे और इसी पे उसी दिन वापस उसने कर दिए, तो अब जो उसको प्रॉफिट होगा वो इस रेट के हिसाब से होगा, तो अपने वो प्रॉफिट फाइंड करना है. सो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट है जी ₹35.40, रेट यहाँ पे आएगा 10 होल 3/4%, तो इसको लिखा जा सकता है 10.75%, और टाइम यहाँ पे है 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स का, 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स. तो जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी हम इसको कन्वर्ट करते थे ईयर्स में, तो जो 3 ईयर्स हैं वो वैसे ही रहेंगे, और 4 मंथ्स को हम कर लेंगे डिवाइड 12 से, ताकि ये टोटल जो है वो ईयर्स में कन्वर्ट हो जाए. इसका आंसर आ जाएगा 10/3 ईयर्स. ये 4.2 में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था. आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे और उसके बाद कटिंग करके आपके पास 10/3 ईयर्स आंसर आएगा. तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं जो मार्कअप एट द रेट ऑफ 10.75%. फॉर्मूला वही लगेगा, मार्कअप इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे. तो ये देखें वैल्यूज पुट कर लिए, आर की 10.75 है, टाइम 10/3 था, तो 10 ऊपर आ गया, 3 नीचे, 100 से मल्टीप्लाई होगा. इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आता है 1268.50 रुपीज. अब हमने जो इसका प्रॉफिट निकालना है वो निकालना है दूसरे रेट पे जो कि है 11.5%. फॉर्मूला जी यहाँ भी वही लगेगा, जस्ट यहाँ पे हमने रेट चेंज किया है, क्योंकि प्रॉफिट हमारा जो है 11 होल 1/2% या 11.5% पे होगा. इसको आप 50 कर लें, 5 कर लें, आंसर सेम ही आएगा. तो कैलकुलेटर इससे आंसर देगा 1357 रुपीज़.
अब हमने इसका प्रॉफिट फाइंड करना है। तो देखें जी, दोनों रेट्स के हिसाब से जैसे कि रेट बढ़ा उसका, तो यहाँ पे उसको गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ 88.50% रुपीज़ का। क्वेश्चन नंबर थ्री इज लिटिल बिट ट्रिकी। इसमें ये है कि एक्स वाई जेड बैंक जो है उसको प्रॉफिट तो हो गया 8,034 रुपीज़ का, जो कि उसने लोन दिया था 6% कंपाउंड मार्कअप पे 2 ईयर्स के लिए। अब उसको कितनी अमाउंट पे ये प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है कि टोटल अमाउंट क्या आती। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉफिट को हम करते हैं आई से नोट, तो आई इक्वल टू 8,034 और रेट आपके पास, रेट इज 6% एंड टाइम इज 2 ईयर्स। अब इसके ऊपर हुआ है कंपाउंड प्रॉफिट, तो कंपाउंड प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, डेट इज सी पी इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1+R/100T। यही हम फॉर्मूला जो है काफ़ी दफ़ा 4.2 में यूज़ कर चुके हैं, तो अगर 4.2 आप नहीं की तो उसको पहले सही तरह से कर लें। तो यहाँ पी हमें वैल्यू नहीं पता, तो बाकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। 1+R/100 टाइम इज 2 ईयर्स, तो ये आ जाएगा पी मल्टीप्लाई 1.06/2। इसका हम लेंगे स्क्वायर और ये आ जाएगा 1.1236, और पी हमें नहीं पता तो हम पी साथ लिख देते हैं। दिस इज सी पी कंपाउंड प्रॉफिट। अब हमें पता है कि अमाउंट जो है फाइनल अमाउंट इक्वल टू होती है प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट पी प्लस आई। ये हम यूज़ किया है पिछले जो टेबल था 4.2 का, क्वेश्चन नंबर 7 का जो टेबल था उसमें हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था कि जो अमाउंट है फाइनल वो इक्वल होती है प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट के। तो यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट है वो है कंपाउंड प्रॉफिट के इक्वल, और वो है 1.1236 पी, और प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता, वही तो हमने फाइंड करनी है। और जो प्रॉफिट हुआ था वो आपको पता है कि वो 8,034 का हुआ है प्रॉफिट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1.1236 पी माइनस पी, ये पी वहां चला जाएगा, इक्वल टू 8,034। अब इनको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1236, क्योंकि दिस इज 1 पी, पी के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1.1236 में से माइनस करेंगे 1, तो 0.1236 पी बचेगा, इक्वल टू 8,034। एक्चुअली हमने क्या फाइंड करना है, पी विच इज द प्रिंसिपल अमाउंट जो कि बैंक ने दी थी और जिसके ऊपर उसको 8,034 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, डिवाइडेड बाय 0.1236। इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू आ जाएगी 65,000 रुपीज। तो ये वो अमाउंट थी जिसके ऊपर उसको 8,034 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। फोर्ड में जी, जो आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 6,600 रुपीज़ और रेट है 8% का, 11 मंथ्स टाइम है, 11 मंथ्स को डिवाइड करेंगे 12 से तो ये बन जाएगा ईयर्स। और अब हमने जस्ट क्या फाइंड करना है, मार्कअप फाइंड करना है, सिंपल मार्कअप। तो मार्कअप का फॉर्मूला आप वही वो यूज़ करेंगे, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो ये आता है जी 484 रुपीज़ आंसर। अब हमने जो टोटल अमाउंट निकालनी है वो होगा टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस मार्कअप, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मार्कअप। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 6,600 प्लस 484 रुपीज जो है वो मार्कअप हुआ है, तो टोटल अमाउंट बनती है 7,084 रुपीज। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव में जी, एक बैंक है जो कि 2.25% पर मंथ सिंपल मार्कअप पे जो है वो लोन्स देता है, और अली जो है वो 6,400 रुपीज़ उसने बोरो किए हैं, तो इट मींस ये प्रिंसिपल अमाउंट है 6,400 रुपीज़, और यहाँ पे जो रेट है वो 2.25% है और ये है पर मंथ, तो ये यहाँ पे एनुअली की बात नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे मंथ को ही डील करेंगे, इसलिए हम इसको ईयर्स में नहीं लेके जाएंगे। जो टाइम है वो है 2 ईयर्स एंड 1 मंथ का, तो यहाँ पे हम इसको ईयर्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे, मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रेट हमें पर मंथ दिया गया है। तो 2 ईयर्स होते हैं जी 24 मंथ्स, 24 मंथ्स प्लस 1 मंथ, तो ये टोटल बनते हैं 25 मंथ्स, 25 मंथ्स टोटल टाइम है, 6,400 प्रिंसिपल अमाउंट है और 2.25% रेट है पर मंथ का। अब आपने निकालना है उसका मार्कअप जो कि उसने पे करना है बैंक को, तो यहाँ पे जी आंसर आ जाता है 3,600 रुपीज, और यहाँ पे आपने फाइनल अमाउंट नहीं फाइंड करनी, जस्ट आपने मार्कअप फाइंड करना था, वो 3,600 रुपीज है, तो जस्ट यही आंसर इसका बन जाएगा। नंबर सिक्स में प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है 2,50,000 रुपीज, इसके ऊपर आपने फाइंड करना है मार्कअप रेट जो कि है 14% मार्कअप रेट है, इसके ऊपर आपने फाइंड करना है कि 1 ईयर के बाद जो कंपाउंड मार्कअप है वह कितना होगा, तो टाइम यहाँ पे आ जाएगा 1 ईयर,
और जैसा कि कंपाउंड प्रॉफिट होता है, फॉर्मूला वही है कंपाउंड मार्कअप का। जस्ट कंपाउंड मार्कअप और कंपाउंड प्रॉफिट में क्या फर्क है कि कंपाउंड मार्कअप जो है ये प्रॉफिट होता है बैंक का, और जो कंपाउंड प्रॉफिट है वो जो इन्वेस्टर होता है उसको प्रॉफिट होता है। फाइनल अमाउंट का जी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है कंपाउंड प्रॉफिट निकालने के लिए, कंपाउंड मार्कअप निकालने के लिए। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2,85,000 रुपीज़। तो अब कंपाउंड मार्कअप निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये वही फॉर्मूला है जो कि हम पहले यूज़ कर चुके हैं। तो फाइनल अमाउंट इज 2,85,000 रुपीज़ माइनस द प्रिंसिपल अमाउंट वॉज 2,50,000 रुपीज़। आंसर आता है 35,000 रुपीज़ कंपाउंड मार्कअप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन, जो ये लास्ट 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक, ये आपके पास सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 तक जो क्वेश्चंस हैं यही ज़्यादातर पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कंपाउंड प्रॉफिट आपने फाइंड करना है, 600 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट है जिसके ऊपर आपने प्रॉफिट फाइंड करना है। टाइम आपके पास 4 ईयर्स का है और रेट दिया गया है 6%। सो रेट इज 6%। और कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपको पता है कि पहले आपको फाइनल अमाउंट फाइंड करनी पड़ेगी और उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे तो कंपाउंड प्रॉफिट आएगा। तो फाइनल अमाउंट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 757.49। ये क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा कैलकुलेट करना बता चुकी हूँ इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया। आप जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, उसको आप कैलकुलेट करेंगे और पावर लेंगे इसकी 4, मल्टीप्लाई करेंगे 600 से, तो ये आंसर आ जाएगा। अब निकालना है कंपाउंड प्रॉफिट। सो पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड प्रॉफिट हियर, 757.49 माइनस 600, यू विल गेट रुपीज 157.49 कंपाउंड प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल सा है जिसमें आपने कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करना है। बिल्कुल वही चीज़ें दी हुई हैं आपको जो कि पहले क्वेश्चन में दी गई थी। प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 रुपीज़ है, 50,000 रुपीज़, रेट इज 4% और टाइम दिया गया है 1.5 ईयर्स, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1.5 ईयर्स। तो इसके जी दो मेथड्स हैं क्वेश्चन को फाइंड करने के, या तो आप सिंपल कर लें या फिर इसको ब्रेक कर लें, 1.5 ईयर को ब्रेक करके फॉर्मूला लगाया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट 1.5 पावर ली जा सकती है क्योंकि कंपाउंड प्रॉफिट में जो टाइम है वो पावर में आता है। तो जी सिंपल सा आप फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल अमाउंट का टाइम में आएगा 1.5, तो कैलकुलेटर से आप 1.5 पावर आसानी से ले सकते हैं। तो जब ये कैलकुलेट आप करेंगे तो आपको पास आंसर देगा 53,040 रुपीज़। ये फाइनल अमाउंट आएगी और कंपाउंड प्रॉफिट निकालेंगे। फाइनल अमाउंट इज 53,040 माइनस 50,000, आंसर आ जाएगा रुपीज 3,040। सो क्वेश्चन नंबर 9 अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जस्ट वैल्यूज दी हुई हैं और आपने इसको पुट कर देना है फॉर्मूला में। 12% रेट है, टाइम आपके पास 1 ईयर का है और प्रिंसिपल अमाउंट 54,000 रुपीज़ है। तो सिंपल फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई पर करने के बाद आंसर जो आएगी अमाउंट 60,480 रुपीज़ आएगी। और आप कंपाउंड प्रॉफिट 60,480 इज द फाइनल अमाउंट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट इज 54,000, आंसर इज 6,480 रुपीज़। सो लर्नर्स, दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। फॉर अदर सोल्यूशन एंड वीडियोज स्टे सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।